हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के ऊपर। तीसरा T20 जो नेपियर में खेला गया, काफ़ी अच्छी गेम ऑफ क्रिकेट के बाद पाकिस्तान ने ये मैच 4 विकेटों से जीत लिया और न्यूजीलैंड ने काफ़ी पथेटिक बैटिंग और बॉलिंग की, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ये मैच हार गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले न्यूजीलैंड से बैटिंग करवाई। न्यूजीलैंड ने अपने 20 ओवरों में बनाए 173 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर। न्यूजीलैंड की तरफ से कॉनमिले ने 63 रन की इनिंग्स खेली, टिम शेफर्ड ने 35 रन बनाए और फिलिप्स ने 31 रन की इनिंग्स खेली। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने काफ़ी नबी धुली और अच्छी बॉलिंग करवाई। फहीम अशरफ को 3 विकेटें मिली, शाहीन शाफरीदी को 2 विकेटें मिली और हारिस रोक को भी 2 विकेटें मिली। जब पाकिस्तान की बैटिंग आई, पाकिस्तान ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने कोई विकेट नहीं गंवाई। और मोहम्मद रिजवान ने अपनी करियर की बेस्ट इनिंग्स खेली और 89 रन बनाए। मोहम्मद हफीज़ ने 41 रन बनाए और इफ्तिखार अहमद ने 14 रन की इनिंग्स खेली। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने नबी तुली अच्छी बॉलिंग की करवाई। टिम सोदी को 2 विकेटें मिली, स्कॉट को 2 विकेटें मिली और काइल जिप्सन को 1 विकेट मिली। और पाकिस्तान ने ये टारगेट जो है 19.4 ओवर में चेस कर लिया और पाकिस्तान ने बनाए 177 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इन दी एंड पाकिस्तान ने ये मैच 4 विकेटों से जीती है। पाकिस्तान की एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज तो हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान ये मैच जीत गया 4 विकेटों से। और स्टार ऑफ द शो था वो था मोहम्मद हफीज़ और मोहम्मद रिजवान। इन दोनों के बीच जो एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी, उसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच जीत गया। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सीरीज तो नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को टफ टाइम दिया और फाइनल मैच जो है 4 विकेटों से जीत लिया। और न्यूजीलैंड ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली और टिम शेफर्ड को जो है मैन ऑफ द सीरीज मिला और मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच मिला। और मोहम्मद रिजवान जो है अब टेस्ट मैच की क्यादत भी करेंगे, क्योंकि बाबर आजम भी इंजर्ड है और साथ साथ इमाम उल हक भी इंजर्ड है। तो बाबर और जो मोहम्मद रिजवान की ये फॉर्म जो है ना, टेस्ट मैच में बहुत काम आएगी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पे हम बहुत कहते थे कि ये ओपनिंग नहीं कर सकता, इसका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। आज मोहम्मद रिजवान ने 150 के स्ट्राइक रेट से खेला और पाकिस्तान को एक विन रजिस्टर करवाई। पाकिस्तान की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में हरा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।